खुशामदी 2023 नया साल नई उमंगें। जुनूबी पंजाब भर में नए साल का जबरदस्त इस्तकबाल। मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। आसमान रंगों रोशनियों से धमक उठा। मंचले नए साल का जश्न मनाने घरों से निकल आए। रोही की जानिब से जुनूबी पंजाब के वासियों को नए साल की ढेरों मुबारकबाद। अच्छी और बुरी यादें समेटे 2022 का आखिरी सूरज ढल गया। शहरियों ने किला कोहना कासिम बाग पर ढलते सूरज का नजारा किया। मुख्तलिफ मकामात पर नए साल के आगाज पर दुआ करवाई गई। मुल्तान की जामिया मस्जिद करीमिया कासमिया सदीका में साबिक वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर अलामा सैयद अहमद सईद कासमी ने दुआ करवाई। रहीमिया खान में मारूफ मजहबी स्कॉलर कारी जफर शरीफ ने खसूसी दुआ करवाई। कहा उम्मत मुस्लिमा को इतिहाद यगानत भाईचारे और बाहमी इतफाक और इतिहाद की जरूरत है। अल्लाह करे नया साल तमाम मुसलमान दीन इस्लाम के लिए अच्छा साल साबित हो। मुल्तान पुलिस की कार्रवाई, साल 2023 का पहला मुकदमा दर्ज। पहला मुकदमा थाना सदर शुजाबाद में दर्ज किया गया। मुल्जिम हनीफ को गिरफ्तार करके 30 लीटर शराब बरामद कर ली। साल 2023 के आगाज के साथ ही निजी अस्पताल में नन्ही परी की आमद। नन्ही परी की पैदाइश पर वालदैन खुशी से सरशार। नाना गुलाम जाफर का कहना था, नवासी के पैदाइश पर बहुत खुश हूँ। मौसम बदला, साल बदला, हुकूमत बदली, ना बदला निजाम। शहरे ओलिया में सहूलियात की अदम फराहमी से शहरी परेशान। मुल्तान में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। शहर के बेशर इलाकों में गैस की बंदिश से घरेलू सार्फीन को मुश्किल। शहरी मार्केट से महंगी लकड़ी और एलपीजी खरीदने पर मजबूर। जहानिया में गीली लकड़ी 1000 और खुश्क लकड़ी 1200 रुपए मन में फरोख्त होने लगी। सर जी, पहले तो ये 800 रुपए में मन मिलती थी, अभी ये 1000-1200 की मिल रही है। और ये इतनी गीली भी होती है कि जलाने के और खाना पकाने के भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती है। और इसके अलावा जो गैस है वो तो आती नहीं है। नए साल पर भी कोई रिलीफ नहीं। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। यकम से 15 जनवरी तक मौजूदा कीमतें बरकरार रखेंगी। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार का ऐलान, पेट्रोल 214 रुपए 80 पैसे, डीजल की कीमत 227 पैसे 80 पैसे लीटर पर बरकरार। नए साल का तोहफा, आवाम को रिलीफ के दावे धरे के धरे रह गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम के लिए रिलीफ खत्म। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा। 10 किलो आटे का थैला 400 से बढ़कर 650 रुपए का हो गया। चीनी 70 से 90, घी 300 से बढ़कर 400 रुपए किलो में फरोख्त। बढ़ती महंगाई से परेशान शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। भाईजान, आटा लेने आया तो तकरीबन 6 बजे से आया है, अभी तक आटा नहीं मिला, ना घी मिला ना चीनी मिली है। अस मजदूर आदमी किधर बनिए, सारा दिन दुकानदार आदमी है इधर खड़े हैं, जिसकी वजह से ना सानू आटा मिलता पिया, ना घी मिलता पिया, ना चीनी मिलती पी है। घर अखराजात बहुत ज्यादा हैं भाई। सुबह 7 बजे से हम लोग आए हुए हैं, अभी यूटिलिटी स्टोर बंद था, लाइने बना के हम लोग खड़े हैं, लेकिन अब 11 बजने को है, अभी तक बारी हमारी नहीं आई। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि आए रोज जो कीमतें बढ़ रही हैं, इन पर सख्त से सख्त नोटिस ले और इनकी कीमतों में कमी करे। कोटद्दू में आटे की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। मर्द और खवातीन की लंबी कतारें। फूड इंस्पेक्टर के मुताबिक आटे का कोटा कम होने के बाइस मुश्किलात हैं। जिले इंतजामिया ने एक्शन, असिस्टेंट कमीशन का अचानक आटा डिपो पर छापे। सेल पॉइंट पर मौजूद रजिस्टर और खरीदारों के नाम नंबर भी चेक किए। नए साल का आगाज, हुकूमत वास्ता आवाम को सहूलियात देने में नाकाम। शहर ओलिया में आवामी मंसूबे मुकम्मल ना हो सके।
पानी, सेहत, सड़कों समेत दीगर मंसूबे मुकम्मल न हो सके। चौधरी परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मंसूबा 9 साल से ताखीर का शिकार। निशरत अस्पताल का मेगा प्रोजेक्ट का आगाज भी ना हो सका। साल भर शहर के तमाम सरकारी अस्पतालों में अद्वियात का बहरान रहा। उधर बहावलपुर शहर में भी तरक्याती मंसूबे 2022 में मुकम्मल ना हो सके। सऊदी अरब से मुसाफिरों पर आब जमजम लाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। जद्दा एयरपोर्ट हुकाम का पीआईएस समेत तमाम प्राइवेट एयरलाइंस को मुरासला जारी। कहा गया विजिट बिजनेस सियासी वीजा के लिए जाने वालों पर पाबंदी होगी। उमरा और हज वीजा के अहम मुसाफिरों को ही आब जमजम लाने की इजाजत है। जायरीन को 5 लीटर की एक ही बोतल लाने की इजाजत होगी। तमाम एयरलाइंस इंतजामिया को मुसाफिरों के सामान की चेकिंग को यकीनी बनाने की हिदायत। मुल्तान में सीवरेज लाइन के मरम्मती कामों में सुस्त रवि। फारुकाबाद के इलाके चांदमाड़ी की सड़क ब्लॉक। सीवरेज के पानी के बाइस ट्रैफिक के रवाने भी मुतासर। शहरियों का इंतजामिया से फौरी नोटिस का मुतालबा। उधर रहीमिया खान कजाफी कॉलोनी में भी सीवरेज के नाकिस इंतजाम। गलियां सीवरेज के पानी में डूब गई। असिस्टेंट कमिश्नर लैया करोड़ मोहम्मद अफजल की कार्रवाई। फतेहपुर 234 पर 3 ट्रक खाद के पकड़ लिए। 500 बोरी खाद कब्जे में ले ली। उधर आवामी शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर की असिस्टेंट डायरेक्टर जरात के साथ खास स्टॉक की चेकिंग। महकमा एंटी करप्शन की कार्रवाई। सरगोधा में कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल का गन में गिरफ्तार। 10,000 रिश्वत की रकम बरामद। मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन की जानिब से मजीद तफ्तीश जारी। उधर हारूनाबाद में पुलिस आवाम को लूटने लगी। थाना फकीरवाली के मोहरीर की रिश्वत लेने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डीपीओ अकाउंट्स करप्शन साबित होने पर डीपीओ ने मोहरीर को मौतिल कर दिया। मौसम बदला, साल बदला, हुकूमत बदली, ना बदला निजाम। शहरे ओलिया में सहूलियात की अदम फराहमी से शहरी परेशान। मुल्तान में गैस की गैर अलानिया लोड शेडिंग जारी। शहर के बेशर इलाकों में गैस की बंदिश से घरेलू सार्फीन को मुश्किल। शहरी मार्केट से महंगी लकड़ी और एलपीजी खरीदने पर मजबूर। जहानिया में गीली लकड़ी 1,000 और खुश्क लकड़ी 1,200 रुपये मन में फरोख्त होने लगी। जी पहले तो ये 800 रुपए में मन मिलती थी, अभी ये 1,200 की मिल रही है। और ये इतनी गीली भी होती है कि जलाने के और खाना पकाने के भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती है। और इसके अलावा जो गैस है वो तो आती नहीं है।